अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया अहमद है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी शालामार हॉस्पिटल और ब्रॉडवे प्लास्टिक सर्जरी पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज इन्फो फॉर पेशेंट के प्लेटफॉर्म के तहत आपसे कुछ डिस्कशन करना है। जो कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, आप लोगों की क्वेरीज हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट रीशेपिंग सर्जरी। ब्रेस्ट रीशेपिंग सर्जरी क्या होती है? बेसिकली ब्रेस्ट रीशेपिंग सर्जरी इज टू गिव यू अ रिजुविनेटेड shape of breast to give you that breast profile that is youthful and uplifted. उसमें हर मरीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ को सिर्फ अपलिफ्टिंग चाहिए होती है, कुछ को साइज इंक्रीज के साथ अपलिफ्टिंग चाहिए होती है, कुछ को साइज डिक्रीज के साथ अपलिफ्टिंग चाहिए होती है। अब आप उसमें किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, आपका मुआयना होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट में चेंजेस क्यों आते हैं? प्रेगनेंसी की वजह से, वेट फ्लक्चुएशंस की वजह से, लैक्टेशन की वजह से, एजिंग की वजह से, ग्रेविटी और हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से खवातीन जब इन डिफरेंट फेजेस से गुजरती हैं तो ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट अपनी फर्मनेस, अपनी एक यूथफुल शेप और कॉन्टूर लूज कर देती है और सैग डाउन और ड्रॉप डाउन कर देती है। उसकी वजह से डेफिनेटली जो बॉडी का प्रोफाइल है, एक रिजुविनेटेड फिगर है, वो खत्म हो जाता है। उसको रीस्टोर करने के कोई भी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद नहीं है। एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो इन्फो फॉर पेशेंट के प्लेटफॉर्म से हम रूटीनली देखते हैं, लोगों से सुनते हैं कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन बता दें। इन तमाम तर चीज़ों का कोई भी नॉन सर्जिकल सोल्यूशन, क्रीम्स या ऑयल्स या मसाज बिल्कुल भी नहीं। कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट इसमें आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। वो सारी की सारी क्रीम्स और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स कैंसरस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जो आपको फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर दे सकते हैं। सेफेस्ट ऑप्शन और बहुत अच्छा ऑप्शन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इफ यू वांट टू इंक्रीज साइज ऑफ योर ब्रेस्ट, द ओनली सॉल्यूशन इज, द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, जो कि FDA अप्रूव्ड हैं। हाई ग्रेड मेडिकल ग्रेडेड सिलिकॉन है, हाई क्वालिटी मेडिकल ग्रेडेड सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं। दुनिया में मौजूद हैं लीडिंग ब्रांड्स के और अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स हैं जो आपको सेटिस्फैक्टरी ऑन टेबल गुड वॉल्यूम साइज्ड और कप साइज्ड ब्रेस्ट दे देते हैं। एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, जनरल एनेस्थीजिया में होता है, जो कि ब्रेस्ट को रीस्टोर कर देता है, उसकी फर्मनेस को रीस्टोर कर देता है और साथ ही में साइज इंक्रीज कर देता है। और एक बहुत माइल्ड कैटेगरी की जो सैगीनेस है उसको अपलिफ्टिंग कर देता है। फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका अपना ब्रेस्ट वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ब्रेस्ट लैक्टेशन या वेट फ्लक्चुएशंस की वजह से सैग हो जाती है, टॉटिक हो जाती है। ऐसे केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स दे वांट द सॉल्यूशन फॉर अपलिफ्टिंग, दैट इज आल्सो अगेन सर्जिकल। इसमें कोई नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। हाँ, स्कार्स की वजह से पेशेंट्स डेफिनेटली दे आर बॉदर्ड, बट स्कार्स आर नॉट बैड इफ दे आर गोइंग टू गिव यू अ यूथफुल अपेयरेंस। और बाद में लेटर ऑन स्कार्स फेड अवे हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इसमें बहुत सारी अपलिफ्टिंग की टेक्निक्स हैं, जिसमें आपने सुना होगा क्रेसेंटिक अपलिफ्ट है, डोनट शेप्ड अपलिफ्ट है, एंकर शेप्ड अपलिफ्ट है या लॉलीपॉप अपलिफ्ट है। ये सब के सब स्कार्स के नामों के हिसाब से अपलिफ्ट्स कैटेगरीज हैं। अब कौन सा पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है ये देखने के लिए हमें पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है और पेशेंट के साथ ये डिस्कशन करनी है कि उसे अपलिफ्टिंग किस तरह की चाहिए टू गिव हर अ गुड ब्रेस्ट प्रोफाइल जो उसके फिगर को रिजुविनेट कर सके। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ रिजुविनेटेड ब्रेस्ट, डू विजिट अस सो वी कैन एग्जामिन यू, प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स व्हाट आर सूटेबल फॉर योर बॉडी। यू कैन कॉन्टैक्ट इन्फो फॉर पेशेंट, यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स, सो वी can give you a very good service. Thank you.